हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ घर पे बहुत ही इजीली इफेक्टिव हेयर मास्क कैसे बनाए, वो कैसे अप्लाई करना होता है, उसके लिए क्या क्या केयर लेनी होती है, उसकी एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, उसमें आपको बहुत ही छोटी छोटी बट बहुत ही इफेक्टिव इंपॉर्टेंट टिप्स मिल जाएगी, जिससे आपके हेयर्स की आप बहुत अच्छे से केयर ले सकते हो। घर पे ही हम हेयर्स को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। आपको स्पा की क्रीम यूज़ करनी है या फिर हेयर स्पा ही करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं हम घर पे हेयर मास्क कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप घर पे भी बहुत ईजिली बना सकते हो। अगर आपके घर में एलोवेरा का प्लांट है तो प्लीज़ आप इसे बनाकर ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा एलोवेरा जेल आप घर पे बना सकते हो। उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, वो वीडियो आप ज़रूर चेक कीजिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वो एक बार चेक कीजिए और उस तरह से एलोवेरा जेल घर पर बना के देखिए। बालों के लिए वगैरह घर पे एलोवेरा जेल बना के यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहता है, हम इजीली उसकी ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल लिया है। ये एलोवेरा जेल आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। एलोवेरा जेल बालों के लिए किस तरह से बेनिफिशियल होता है, इसकी वीडियो भी मैंने बनाई है, उसमें आपको इन डिटेल सब कुछ बताया है, वो भी आप ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे पहले एलोवेरा जेल लेना है, उसमें आपको विटामिन ई की कैप्सूल ऐड करनी है। विटामिन ई की कैप्सूल आपको 1 से 2 ऐड करनी है। आपके हेयर्स ड्राई है या ऑयली है उसके अकॉर्डिंग आपको ये डिसाइड करना है। अगर लॉन्ग हेयर्स है तो आप 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स ऐड कर सकते हो। देखिए, अभी मैंने इसमें विटामिन ई की कैप्सूल ऐड कर दी है। विटामिन ई की कैप्सूल डालने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट यूज़ करना है इसेंशियल ऑयल। यहाँ पे मैंने लेवेंडर इसेंशियल ऑयल लिया है, उसके 2 ड्रॉप्स आपको डालने हैं। इसके साथ ही आप दूसरा भी इसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली इसेंशियल ऑयल बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, हेयर्स के लिए। अगर आप इसेंशियल ऑयल के बारे में जानते नहीं हैं तो प्लीज़ आप मेरी इसेंशियल ऑयल के रिलेटेड जो सेपरेट वीडियो है वो ज़रूर वॉच कीजिए। मैंने एक वीडियो में व्हाट इज़ इसेंशियल ऑयल ये भी बताया है, और दूसरे में आप कौन सा इसेंशियल ऑयल किस प्रकार स्किन के लिए, बालों के लिए यूज़ कर सकते हो एज़ पर रिक्वायरमेंट, वो भी बताया है, उसे भी आप ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ अगर आपके पास विटामिन ई की कैप्सूल नहीं है तो आप यहाँ पे आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे विटामिन ई की कैप्सूल डाली है, लेकिन एक ही डाली थी तो यहाँ पे मैं आलमंड ऑयल भी थोड़ा डाल रही हूँ। 1/4 टेबल स्पून या फिर 1/2 टेबल स्पून आप आलमंड ऑयल के यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली मेरे लॉन्ग हेयर्स है तो मुझे उसकी क्वांटिटी कुछ ज़्यादा लगती है। आपके बाल अगर ड्राई हो तो कुछ ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ कीजिए, अगर ऑयली हेयर्स है तो उसकी क्वांटिटी आपको कम यूज़ करनी है। उसके बाद आपको मिक्स करना है कैस्टर ऑयल 1/2 टेबल स्पून, आपको 1/2 या 1 टेबल स्पून लिया तो भी चलता है, आपको कैस्टर ऑयल के डालने हैं। कैस्टर ऑयल हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, आप भी ज़रूर यूज़ करके देखिए, हेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए। मेडिकल में वगैरह ये इजीली मिल जाता है, आप प्लीज़ इसे ला के रखिए। जैसे जैसे मैं इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते जा रही हूँ, वैसे वैसे हमारा हेयर मास्क बनते जा रहा है, इसका टेक्स्चर देखिए वो चेंज होते जा रहा है। तो नेक्स्ट हमें यूज़ करना है ऑलिव ऑयल। यहाँ पे आपको ऑलिव ऑयल के 1 टेबल स्पून लेना है, या फिर 1/2 टेबल स्पून लिया तो भी चलता है। नेक्स्ट आपको यूज़ करना है कोकोनट ऑयल। एक्चुअली मैंने रेगुलर कोकोनट ऑयल नहीं लिया है, कंटेनर तो कोकोनट ऑयल का है, लेकिन इसमें जो ऑयल है वो हर्बल हेयर ऑयल है जो मैंने घर पे बनाया है। वो कैसे बनाना है इसका मैंने इन डिटेल वीडियो बनाया है, वो बहुत अच्छा है। हर्बल हेयर ऑयल आप घर पे बहुत इजीली बना सकते हो, वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप ज़रूर वो चेक कर लीजिए। रेगुलर यूज़ के लिए भी ये ऑयल बेस्ट रहता है, डैंड्रफ के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर के रफनेस वगैरह सारे हेयर्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए ये बहुत अच्छा है। मैंने भी वो हेयर ऑयल बना के कोकोनट ऑयल का जो हमारा कंटेनर होता है उसी में भर के रखा है, जिसकी वजह से आप इजीली उसे रेगुलरली यूज़ कर सकते हो। आप भी उस तरह से बना के यूज़ करके देखिए। देखिए यहाँ पे आपको इस क्रीम को अच्छे से मिक्स करना है, हमारा मास्क अभी बनते जा रहा है।
इसे अच्छे से मिक्स करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमने इसमें लवेंडर इसेंशियल ऑयल भी डाला है, रोजमेरी इसेंशियल ऑयल के 2 ड्रॉप्स डाले हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है ना, इसमें बहुत अच्छा स्मेल आता है। ऊपर से इसेंशियल ऑयल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उसकी कम क्वांटिटी यूज़ करनी पड़ती है क्योंकि वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है। नेक्स्ट इसमें और एक इंग्रेडिएंट आप मिक्स कर सकते हो, वो है ग्लिसरीन, जिसकी वजह से बालों को अच्छा ग्लो आता है, टेक्सचर अच्छा होता है, बाल स्मूथ होते हैं। लेकिन अभी की मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास का ग्लिसरीन अभी ख़त्म हो गया है। देखिए हम घर पे ये मास्क बना रहे हैं, एक चीज़ के लिए आप वो बनाना मत रोकिए कि आज नहीं कल बनाते हैं, तो वो पक्का वैसे ही रह जाएगा। उससे अच्छा ये है कि एक चीज़ आप स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ग्लिसरीन नहीं यूज़ किया क्योंकि अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैंने क्या किया, थोड़ी सी ऑयल की क्वांटिटी बढ़ा दी है। अगर आप ग्लिसरीन यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा ऑयल का क्वांटिटी आप कम लो। मतलब मैंने यहाँ पे देखिए कोकोनट ऑयल का 1 टेबल स्पून लिया। ग्लिसरीन यूज़ कर रहे हो तो क्या होगा, उसकी वजह से ऑयलीनेस आता है बालों को, मतलब एक टेक्सचर वो स्मूथनेस आ जाता है। तो अभी ग्लिसरीन नहीं है तो मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऑयल्स की ज़्यादा ली है, जिसकी वजह से मेरे बालों को वो जो चाहिए स्मूथनेस वो आ जाएगा। इस तरह से आप घर पे बना रहे हो तो होममेड चीज़ों के लिए आप कुछ चेंजेस कर सकते हो। हर्बल चीज़ें हैं तो उनका कोई भी साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, इसमें हमने कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया है। तो आप इजीली इसे वीकली 1 या 2 टाइम्स आराम से यूज़ कर सकते हो, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। देखिए अभी मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, मेरा हेयर मास्क बनके रेडी है, मैं इसे अप्लाई करने वाली हूँ। आप भी आज ही ये हेयर मास्क बना के यूज़ करके देखिए, हेयर मास्क का इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है, आपके बालों का टेक्सचर पूरी तरह से चेंज होता दिखाई देगा आपको। फर्स्ट यूज़ में ही आपको चेंज नज़र आता है, आपको रिजल्ट 101% मिलेगा, बाल स्मूथ शाइनी बनते हैं, वो अच्छे मेंटेन रहते हैं, स्प्लिट एंड्स भी कम होते हैं बालों के एंड्स पे। अच्छे से मास्क से आप मॉलिश कीजिएगा, अच्छे से उसे अप्लाई कीजिए। ये आप रूट्स पे भी लगा सकते हो क्योंकि इसमें कुछ केमिकल्स नहीं है तो ये हार्म नहीं करेगा। तो आप इसे बालों के रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। प्रॉब्लम्स है तभी आप इसे यूज़ करो, ऐसा नहीं है, आप पहले से ही हमेशा ही हेयर मास्क यूज़ किया कीजिए तो कोई प्रॉब्लम्स आएंगे ही नहीं। आप हेयर मास्क जब यूज़ करते हो तो आपका जो स्काल्प होता है वो रफ ड्राई नहीं होता है, तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी नहीं आती है, ऊपर से बालों का झड़ना वगैरह सब कुछ रुक जाता है क्योंकि बालों जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो उनको मिलती है। इसलिए आप हमेशा मास्क यूज़ किया कीजिए, एटलीस्ट मंथली 2 टाइम्स तो मास्क यूज़ कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा हेयर मास्क अभी अप्लाई करने के लिए रेडी है। तो इसे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एक केयर लेनी है कि आपके बाल साफ होने चाहिए। अगर वो साफ़ नहीं है तो पहले बालों को शैम्पू कर लीजिए, फिर अगले दिन आप हेयर मास्क अप्लाई कर सकते हो। नॉट नेसेसरी कि उसी दिन अप्लाई करना है, लेकिन बाल गंदे ना हो उतनी आपको केयर लेनी है। नेक्स्ट आप जब बालों को हेयर मास्क लगा रहे हो तो उन्हें अच्छे से मालिश करते हुए लगाएं, जैसे हम ऑयल मसाज करते हैं उस तरह से आपको इसका मसाज करते करते अप्लाई करना है बालों में। अच्छे से इसे आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद 45 मिनट से 1 घंटे तक आप इसे बालों को वैसे ही लगाकर छोड़ दें, और उसके बाद आपको माइल्ड शैम्पू और कंडीशनर से बालों को वॉश करना है। आप ये वीकली 1 to 2 टाइम्स इजीली यूज़ कर सकते हो, तो इसे आज ही बनाकर यूज़ कर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स आप भी इसे ज़रूर बना के ट्राई करके देखिए, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और उसका आपको जो रिजल्ट मिलता है वो मुझसे शेयर करना मत भूलिए। हमारे इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेटिव्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।